राजा बागेश्वर मंडल द्वारा 11 दिवसीय और 3 मई से 13 मई तक मंदिर प्रांगण में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह जानकारी दरगाह मंदिर के सज्जादानशीन तरुण सूर्यवंशी ने दी। तरुण सूर्यवंशी ने बताया कि देश के प्रसिद्ध सूफी संत राजा बागेश्वर महाराज उर्फ बाबा चैतन्य नाथ महाराज का उर्स 3 मई शुक्रवार सुबह 6 बजे न्यास के साथ शुरू होगा और उर्स के प्रथम दिन श्री जी का अभिषेक आरती न्याज एवं फकीरों का लंगर चादर पोशी मशहूर कव्वाल यूसुफ नियाजी एवं सलमान अजमेरी के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद महा आरती की जाएगी। कार्यक्रम के अंतिम दिन सत्यनारायण की कथा के साथ ही इसका समापन होगा। बाबा का 97वें उर्स महोत्सव मनाया जा रहा है। ये उर्स महोत्सव हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर साल में एक बार मुसलमान पद्धति से पूजा की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सूफी संत श्री राजा बागेश्वर महाराज का स्थान है। यहाँ पर कल के दिन सुबह काजी साहब आकर न्यास करेंगे। उसके पश्चात न्यास के पश्चात बाबा का संदल गुस्ल कुल का छींटा किया जाएगा। 8 बजे आरती, उसके बाद दोपहर 2 बजे फकीरों का लंगर किया जाएगा। रात्रि 8 बजे से शहर के मशहूर कब्बाल श्री यूसुफ न्याजी जी और उनके सपुत्र सलमान अजमेरी ये कब्बालियों का आयोजन करेंगे। 9 बजे रात्रि में बाबा की महाआरती की जाएगी। उसमें हजारों श्रद्धालु आकर बाबा के दर्शन लाभ पाकर अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।